नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के बारे में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। धन्यवाद। भारत का राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा कहा जाता है। भारत के संविधान सभा ने तिरंगा को 22 जुलाई 1947 को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया था। हमारे तिरंगे की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन आंध्र प्रदेश के एक युवक पिंगली वकैया द्वारा तैयार किया गया था। राष्ट्रीय ध्वज में सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग के चक्र में 24 तीलियां होती हैं। स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय ध्वज को प्रथम बार 14 अगस्त 1947 ईस्वी की मध्य रात्रि को फहराया गया था। हमारे भारत के तिरंगे झंडे में ऊपर का केसरिया रंग जो त्याग, जागृत तथा शौर्य व आत्म नियंत्रण का प्रतीक है। बीच की पट्टी का रंग सफेद जो सत्य, शांति एवं पवित्रता का प्रतीक है, तथा सबसे नीचे पट्टी का हरा रंग जो समृद्ध एवं खुशहाली का प्रतीक है। राष्ट्रीय शोक के समय राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुका दिया जाता है। भारतीय ध्वज संहिता 2002 समस्त भारतीय नागरिकों व नागरिक संस्थाओं को राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार देती है। भारतीय संसद, राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर स्थायी रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने का प्रावधान है। दोस्तों, आप लोगों को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के बारे में जानकर अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।